12 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने और नफरत की बेड़ियों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया गया, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस ट्वीट को हिंसा को उकसाने की कार्रवाई करार दिया। दरअसल ये खाकी हाफ पैंट 90 साल से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का यूनिफॉर्म हुआ करता था। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं खाकी के आरएसएस के यूनिफॉर्म बनने की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1925 से। दिन था विजयदशमी का, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में विजयदशमी के ही दिन आरएसएस की स्थापना की थी। अपने गठन के वक्त ही आरएसएस ने अपनी यूनिफॉर्म भी तय कर ली थी। इसमें खाकी हाफ पैंट, खाकी शर्ट, लेदर की बेल्ट, ब्लैक बूट, खाकी कैप और लाठी शामिल थी। आरएसएस ने अपनी यूनिफॉर्म में पहला बदलाव 1930 में किया। इस दौरान खाकी कैप को काले रंग की कैप में बदल दिया गया। उस वक्त लोग पूंजीवादी व्यवस्था से परेशान थे। ऐसे में इटली के समाजवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे। उन्हें आम लोगों की जिंदगी बदलने वाला नेता माना जाने लगा। ऐसे में आरएसएस भी उनसे प्रभावित हुई। आरएसएस की यूनिफॉर्म में अगला बदलाव लगभग एक दशक बाद 1940 में केबी हेडगेवार के नेतृत्व में हुआ। उस दौरान खाकी शर्ट को सफेद शर्ट से बदल दिया गया, क्योंकि आरएसएस की यूनिफॉर्म ब्रिटिश सेना की वर्दी से मिलती जुलती थी। इसके बाद 1973 में भारी भरकम ब्लैक बूट्स को सामान्य जूतों में बदल दिया गया, यानी आरएसएस के सदस्य रैक्सीन के जूते भी पहन सकते हैं। फिर 2011 में आरएसएस ने लेदर की बेल्ट को हटाकर काले रंग की कैनवास बेल्ट को अपना लिया। इसके बाद 2015 में पहली बार खबर आई कि संघ में खाकी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट लेगा। हालांकि कुछ पुराने संघी इस बदलाव के खिलाफ थे। वहीं कई अन्य प्रचारकों का मानना था कि खाकी हाफ पैंट युवाओं को संघ में शामिल होने से रोकते हैं। लेकिन उस वक्त सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी दोनों नए यूनिफॉर्म के पक्ष में थे। इसके बाद मार्च 2016 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने यूनिफॉर्म में खाकी फुल पैंट को शामिल करने की घोषणा की। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।